हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से है। दोस्तों, इंडिया के अंदर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी दो हैं, जो कि एक केरल के अंदर है और ये महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी नालगोंडा वाली है जो कि बी प्लस ग्रेड प्राप्त है इसको, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप। और इन्होंने कैटेगरी वन और कैटेगरी सेकेंड के लिए आवेदन मांगे गए हैं, तो ये देख लीजिएगा कि ये कैटेगरी किस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम ये सब्जेक्ट देख लेते हैं जिनके अंदर आवेदन मांगे गए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट कोड भी बताए हैं और फैकल्टी बताई है। तो सब्जेक्ट के अंदर देखिए दोस्तों, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये टोटल 7 सब्जेक्ट है जिसके अंदर आवेदन मांगे गए हैं। और यहाँ पर इन्होंने मास्टर डिग्री मांगी गई है या उसके अलाइड सब्जेक्ट के अंदर। तो जिन सब्जेक्ट के अंदर जो जो अलाइड डिग्री काउंटेबल है जो कि मानी जाएगी, तो वो यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर एमएससी हो या एमफिल हो, पीएचडी इन केमिस्ट्री हो, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, लाइफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री वगैरह, ये सभी लिखी हुई है अलाइड सब्जेक्ट जिस जिसके अंदर है, तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकता है। तो इस प्रकार से ये सभी के लिए लिखा हुआ है, तो आप ये अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि कैटेगरी वन के लिए आपको ये डायरेक्टर से परमिशन वगैरह लेनी होती है, तो वो अलग से इसका प्रोसीजर है, वो हम आपको दिखा देंगे। और इन्होंने यहाँ पर बताया है कि अब कैटेगरी सेकंड के लिए आपको ये ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है और साथ में ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कैटेगरी वन वालों को ऑफलाइन ही करना होगा। तो कैटेगरी वन अलग है, वो इसके अंदर इन्होंने सीटें बताई है, जैसे कि ये टोटल सीटें दोस्तों ये कैटेगरी वन और कैटेगरी सेकंड दोनों के लिए हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप। कॉमर्स के अंदर 11 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर 5 सीटें हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर 33 सीटें हैं जो कि सबसे ज़्यादा इसी के अंदर है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर 5 है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 4, केमिस्ट्री के अंदर 15, मैथमेटिक्स के अंदर 5, टोटल ये काफ़ी सारी सीटें हैं। और दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है जैसे कि 50% सीटें हम कैटेगरी वन से लेंगे और 50% सीटें कैटेगरी सेकंड से लेंगे। और इन्होंने कैटेगरी वन की फ़ीस 2000 रुपये बताई है जो कि आपको ऑफलाइन चालान के माध्यम से पे करनी होगी, और कैटेगरी सेकंड जितने भी लोग हैं वो आते हैं इसके अंदर, तो उनको 2500 रुपये फी पेमेंट करनी पड़ेगी, बट 1800 रुपये SC ST PH कंटेंट को। और दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने लास्ट डेट भी बताई है, लास्ट डेट 13 मार्च रहेगी दोस्तों। और यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन आगे दी हुई है जो कि अदर नोटिफिकेशन के अंदर है, वो भी हम देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इन्होंने कैटेगरी वन के लिए अलग से नोटिफिकेशन निकाला है जिसके अंदर इन्होंने बताया है कि आपको यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर से कांटेक्ट करना होगा अपने सभी नेसेसरी डॉक्यूमेंट के साथ में और रिसर्च प्रपोजल के साथ में, और आपको ऑफलाइन चलान के माध्यम से 2000 रुपये फीस पेमेंट करनी पड़ेगी और फॉर्म भी वहाँ पर ही ऑफलाइन ही आपको फिलअप करना होगा। तो इसके अंदर आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। दोस्तों, ये इनका पीएचडी का ऑर्डिनेंस है क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर अदर डिटेल्स वगैरह नहीं दी हुई थी, तो इन्होंने ऑर्डिनेंस के अंदर बताई हुई है। तो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं दोस्तों, एलिजिबिलिटी के अंदर इन्होंने बताया है कि यदि किसी के पास 1 ईयर की मास्टर डिग्री है, 4 ईयर बैचलर डिग्री के साथ में, तो वो आवेदन कर सकते हैं, या 2 ईयर की मास्टर डिग्री है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं 3 ईयर बैचलर डिग्री के साथ में। और आगे इन्होंने दोस्तों यहाँ पर बताया है कि आपको 55% मार्क्स चाहिए होंगे मास्टर डिग्री के अंदर, 5% का SC ST OBC नॉन क्रिमिनलियर और PWD कैटेगरी वालों को और AWS वालों को आवेदन के लिए 50% चाहिए मार्क्स। और दोस्तों, यदि किसी के पास MPhil डिग्री है 55% के साथ में, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, इसके अंदर भी 5% का रिलैक्सेशन रहेगा। और ये यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन और भी दी है इन्होंने ट्यूशन प्रोग्राम की, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने एग्जम्पशन के बारे में बताया है, तो कैटेगरी वन के अंदर इन्होंने उन लोगों को काउंट किया है जिनके जो फेलोशिप होल्डर वगैरह है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उनको ऑफलाइन फॉर्म शायद फिल करना होगा क्योंकि इन्होंने अप्लाई करने की लिंक सिर्फ कैटेगरी सेकेंड के लिए ही दी है, हम वेबसाइट पर भी देख लेंगे। और यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट जो हो वो आवेदन कर सकते हैं, और जो इंडस्ट्री वगैरह से बिलोंग करते हैं या सिविल सर्विसेज वगैरह के अंदर, तो ये सभी कैटेगरी वन के अंदर फॉल होते हैं। और कैटेगरी सेकेंड इन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम वाली ली है, तो ये इस प्रकार से इन्होंने कैटेगरी बांटी है 50-50% के हिसाब से, तो ये आप देख लीजिएगा। बट इनका ये प्रोसीजर थोड़ा अलग है, अजीब सा ही है, क्योंकि इन डायरेक्टर से कौन अपॉइंटमेंट लेगा, इस प्रकार की कुछ है इसके अंदर इशू, तो आप एक बार इनसे कन्फर्म कर लीजिएगा, क्योंकि अप्लाई करने की लिंक सिर्फ इन्होंने कैटेगरी सेकेंड के लिए ही दी है जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जाएंगे। तो दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर कैटेगरी सेकंड के लिए एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो जाएंगे तो उनके लिए बताया कि 50-50% का रहेगा रिसर्च मैथोलॉजी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और 50% मार्क्स आपको लाने होंगे इंटरव्यू के अंदर जाने के लिए, और 5% का रिलैक्सेशन भी रहेगा, यही ST ST OBC नॉन क्रिमिनलियर और PWD और EWS वालों के लिए। और आगे इन्होंने मेरिट लिस्ट वगैरह बताई है कि इस प्रकार से मेरिट लिस्ट वगैरह बनेगी, तो ये आप देख लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों, ये थी इसके बारे में कुछ जानकारी, अब हम इनकी वेबसाइट पर भी देख लेते हैं जहाँ से आपको अदर सभी टाइप की इन्फॉर्मेशन वगैरह देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कि ये नोटिफिकेशन
एमजी रूल्स रेगुलेशन जो हमने बताया है कैटेगरी वन के लिए, कैटेगरी सेकंड के लिए सिलेबस वगैरह। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैटेगरी सेकंड के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और कैटेगरी वन के लिए आपको डायरेक्टर से बात करनी होगी उनको अपने डॉक्यूमेंट के साथ में, और आप ऑफलाइन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और ये कैटेगरी सेकंड एंट्रेंस एग्जाम वालों के लिए है। तो ये कैटेगरी सेकंड के लिए हम देख लेते हैं। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों अप्लाई पर क्लिक करने बाद में ये पेज और आपके सामने आ जाएगा, तो यहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही पीएचडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।